on One Nation, One Election. Please put your hands and with a round of applause, please welcome Pradnya Bhagat. अखंड महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज मंचस्थ समस्त विचारवंत और एक उत्तम दिशा में आकार लेता हुआ संपूर्ण युवागण। कुछ साल पहले हमारे देश के महान शास्त्रज्ञ और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर ने एक सपना देखा था कि हमारा भारत देश 2022 तक महासत्ता बनाना है। आज 2019 साल शुरू है। मुझे नहीं पता कि 3 साल में हम महासत्ता बन सकेंगे या नहीं, लेकिन देश में बार बार होने वाले चुनाव, उनकी वजह से बर्बाद होने वाले समय, पैसे और निर्माण होने वाली अस्थिरता की वजह से हमारे देश को महासत्ता बनने में बड़ी रुकावट है, जिसको चाहे तो हम दूर कर सकते हैं एक देश एक चुनाव संकल्पना के माध्यम से। नमस्ते, मैं प्रज्ञा भगत छात्र संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रख रही हूँ। 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा खर्च हुई रकम थी 1700 करोड़। 2014 के लोकसभा चुनाव में वही खर्च था 4000 करोड़। अनुमान है कि इस बार के चुनाव में यही खर्च बढ़कर 7000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। ये सभी लोकसभा चुनाव के खर्च के आंकड़े हैं। बाकी हमारे देश में विधानसभा चुनाव और कई तरह के चुनाव होते हैं, जिसमें होने वाला सरकारी खर्च लोकसभा चुनाव से कई गुना ज्यादा होगा। अगर ये सभी चुनाव एक साथ हो जाए तो हमारे देश के कई हजार करोड़ रुपए बच जाएंगे। हमारे देश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब देश के बहुत से केंद्रीय मंत्रीगण, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक, सब नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनावी रैलियों में जाते हैं, जबकि उन्हें 5 साल देश के लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए चुना गया होता है। हर साल ये विधानसभा चुनाव होते हैं और हर साल ये मंत्रीगण अपना यही समय रैली में गवा देते हैं। अगर एक देश एक चुनाव संकल्पना साकार हो जाए तो बाकी चुनावों के कार्यक्रम विपरीत हो जाएंगे। हमारा देश कई हजार करोड़ रुपए से बच जाएगा और 5 सालों में एक ही बार चुनावी रैलियों के लिए जाना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा फायदा हमारे भारत देश के लिए होगा। ना रुकेगा आचार संहिता की वजह से विकास और ना वो जाएगा प्रशासकीय व्यवस्था के ऊपर। बस इस पूरी संकल्पना में मुझे एक दिक्कत दिख रही है। अगर किसी लोकसभा या किसी विधानसभा में कम संख्या बल होने की वजह से कोई सरकार समय से पहले गिर जाती है या खारिज हो जाती है तो ऐसे समय में क्या किया जाए? क्योंकि अगर उस खारिज हुई विधानसभा या पंचायत का चुनाव फिर से किया जाए तो देश के बाकी चुनावों के कार्यक्रम के विपरीत हो जाएगा। अगर इस विषय पर हमारे संविधान में कोई हल बनाया जाए और हमारे कायदे मंडल की ओर से कोई अच्छा नुस्खा निकाला जाए तो बाकी सब काम आसान हो जाएंगे। हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच सकेगा। प्रशासकीय व्यवस्था पर हर बार आने वाला प्रेशर भी भारी मात्रा में कम हो जाएगा और हम गर्व से कह सकेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, Jai Shivaji. Thank you very much, Pradnya. I request Dr. T.K. Kharaat and Dr. Vrushali Kulkarni to join hands and felicitate and congratulate Pradnya Bhagat. Congratulations, Pradnya, and thank you very much for putting your views on this very important topic in Indian Students' Parliament. A big round of applause, my friends, for Pradnya Bhagat.